बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्यूरिटी एनालिटिकल रीजनिंग का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राइव कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। मॉडल पेपर में से हमने ये क्वेश्चन चूज किया है, इसको हम सॉल्व करेंगे और तमाम के तमाम टेक्निकल पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टेक्निकल पॉइंट ये है, जब एग्जामिनर क्वेश्चन कर रहा होता है वो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है, सेंटेंस की लेंथ बढ़ाता है ताकि हमें उसे अंडरस्टैंड करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। मैंने इस सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट किया है, आपको यहाँ पे एक बार मैं रिपीट करके दिखा भी देता हूँ। देखिए, टेलीविजन जो है वो अपने व्यूअर्स को कन्विंस करता है, मनाता है उनको जी, किस चीज के बारे में मनाता है, किस चीज के बारे में उनको गाइड करता है, वो इस चीज के बारे में गाइड करता है कि खतरनाक जुर्म का शिकार होने का इम्कान बहुत ज्यादा है, उनका खतरनाक जुर्म का शिकार होने का इम्कान बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम, इसी दौरान अपनी कुदरती नेचर के साथ वो क्या करता है, इट परस्यूड व्यूअर्स, वो व्यूअर्स को रागब करता है, किस चीज की तरफ रागब करता है कि आप पैसिवली एक्सेप्ट करें, बे पॉलिसी एक्सेप्ट करते जाएं, किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, व्हाट्स एवर हैपन टू देम, आपके साथ जो भी हुआ है उसको बेफाली के साथ आप एक्सेप्ट करते जाएं, कबूल करते जाएं। अब इस सेंटेंस को आपने दो बार पढ़ना है, दो बार पढ़ने के बाद इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, इस सेंटेंस में हमें क्या बताया जा रहा है, फिर आपने अपने जो कंक्लूजन है वहां पे आना है। देखें, इसका करेक्ट आंसर ए है, ए को हमें अभी हम छोड़ देते हैं, हम बी सी डी को डिस्कस करते हैं एक करके। तो देखें, डी में क्या कह रहा है, पीपल शुड नॉट वॉच टीवी, तो हमारा ये सेंटेंस कहाँ कहीं भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। टीवी पे अच्छे प्रोग्राम भी होंगे, बुरे प्रोग्राम भी होंगे, काफी चीजों का मिक्स होता है हमारे टीवी पे जो प्रोग्राम होते हैं, तो कुछ चीजें अच्छी होती है वो तो हमें देखनी चाहिए टीवी पे। दूसरा जो पॉइंट है वो है, टीवी व्यूअर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी विक्टिमाइज्ड। देखिए जी, जुर्म का शिकार टीवी व्यूअर्स ही होते हैं और कोई नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जुर्म का शिकार कोई भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई कि जो बंदा टीवी देखेगा वो जो है जो टीवी का व्यूअर होगा वो जुर्म का शिकार होगा, ऐसी कहीं भी बात एक्सप्लेन नहीं की गई। टीवी व्यूअर प्रमोट्स क्रिमिनल बिहेवियर, टीवी व्यूइंग, सॉरी व्यूअर मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, व्यूइंग है, टीवी को देखने से प्रमोट क्या होता है, क्रिमिनल बिहेवियर प्रमोट होता है, ऐसी कोई भी बात यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की गई कि टीवी को देखेंगे उसकी व्यूइंग से जो प्रमोट होगा क्रिमिनल बिहेवियर होगा। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे, टीवी प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेस, ये अपने व्यूअर को हेल्पलेस फील करवाना चाह रहा है, अपने व्यूवर्स को हेल्पलेस फील करवाना चाह रहा है। अगर आप ऊपर वाले दोनों सेंटेंस को डिटेल से जो एक एक वर्ड जो है उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर कंप्लीट गाइड किया जा रहा है व्यूअर को कि आप जनाब हेल्पलेस है, तो व्यूअर में हेल्पलेस की फीलिंग को उबारना इस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है। इसलिए हमारे पास ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये लॉजिकली करेक्ट है, तो हम इसमें ए सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन का आंसर। तो इसको मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से डिटेल से एक्सप्लेन भी किया है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ये फाइल मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड भी कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो मजीद हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको भी हम डिटेल के साथ